वेलकम टू कारलैंड आज हम रिव्यू कर रहे हैं 2020 ट्वेंटी बी एम टू सीरीज ग्रैंड कूपे का टू सीरीज़ ग्रैंड कूपे इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग है रुपीज़ थर्टी नाइन पॉइंट थ्री लैक्स से फोटी वन पॉइंट फोर लैक्स के बीच में और ये सिर्फ दो वेरियंट में अवेलेबल है टू ट्वेंटी डी स्पोर्ट लाइन और टू ट्वेंटी डी एम स्पोर्ट आज हम टू ट्वेंटी डी स्पोर्ट लाइन वेरियंट का रिव्यू कर रहे हैं बी एम टू सीरीज़ ग्रैंड कूपे सिर्फ एक ही इंजन के साथ अवेलेबल है टू लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीज़ल इंजन विथ वन नाइनटी बी एच पी एंड फोर हंड्रेड न्यूटन मीटर टॉर्क मेट्री टू व एट स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो गेयरबॉक्स और ये जीरो टू हंड्रेड सिर्फ सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड्स में टच करती है टू ट्वेंटी डी स्पोर्ट लाइन चार कलर्स में अवेलेबल है ब्लैक वाइट रेड और सी साइड ब्लू तो चलिए बी एन डब्ल्यू टू ट्वेंटी डी ग्रैंड कोपे स्पोर्ट लाइन के एक्सटीरियर्स देखते हैं आगे की तरफ आपको मिलते हैं बाय एल ई डी ऑटो हेडलाइट विथ एल ई डी डी आर एल्स एंड कॉर्नरिंग फंक्शन एल ई डी इंडिकेटर्स भी मिलते हैं बंपर्स पर है ट्रैंगुलर फेक एयरवेंट डिज़ाइन इन पियानो ब्लैक फिनिश य स्पोर्टलाइन वेरियंट है इसीलिए इसमें थोड़े स्पोर्टी बंपर्स दिए हैं विथ लार्ज एयरवेंट्स एट द बॉटम सेंटर में है बी एम किडनी ग्रिल इन पियानो ब्लैक फिनिश एंड सराउंडेड बाय क्रोम उसके ऊपर है बी एम लोगो बोनट पर है कर्व्स एंड क्रीजेज फॉर मस्कुलर लुक एंड यह पेडिशनल सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है फ्रंट से बी एम टू सीरीज को काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक दिया गया है रूफ पर है लार्ज पेनारोमिक सनरूफ रूफ और शार्कफिन एंटीना पीछे मिलते हैं स्लीक एल शेप्ड थ्री डी एल टेल लाइट्स साइड में दिया है ब्लैक कलर में फेक एलवेंट डिज़ाइन बम्पर पर है रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स नीचे है फेक डिफ्यूजर डिज़ाइन और ड्यूल क्रोम एग्जॉस्ट ऊपर सेंटर में है ये पैनो ब्लैक ट्रिम जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करता है और सेंटर में है बी एम डब्ल्यू लोगो के नीचे आपको रेयर पार्किंग कैमरा मिलता है बोट पर राइट में है टू ट्वेंटी डी मॉडल बैज इन स्लीक टेल लाइट्स और लॉन्ग पियानो ब्लैक ट्रिम और स्पोर्टी बंपर्स की वजह से टू सीरीज पीछे से काफी वाइड और स्पोर्टी लगती है ऊपर एयर ग्लास पर है रेड इफॉगर हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प और रूफ पर है शार्फी एंटीना चलिए साइड में देखते हैं बी एम डब्ल्यू टू ट्वेंटी स्पोर्ट लाइन में आपको 17 इंच के ड्योल कलर फाइव स्पोक अलॉयज मिलते हैं जो काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं विंडोज़ को सराउंड करता है यह सैटीनाइज एल्यूमिनियम फिनिश फॉर अ प्रीमियम लुक बी पिलर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया है सभी वेरियंट्स में आपको कीलेस एंट्री एंड गो का फीचर मिलता है तो ये डोर हैंडल पर उसी का सेंसर है जिससे कीज अगर पॉकेट में है तो भी इस पर हाथ रखेंगे तो ये अनलॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं विथ एल इंडिकेटर्स और इसके बॉटम साइड और सेंटर आर्म पर भी ये पैनो ब्लैक फिनिश दिया है काफ़ी ऐसे स्पोर्टी टचेज दिए हैं टू ट्वेंटी थ्री स्पोर्ट लाइन में साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो ये हाई विंडो लाइन बल्जिंग हैवी डोर्स और कोपे स्टाइल रूफ विथ हाई बोर्ड लाइन इसे काफ़ी यूनिक लुक देते हैं चलिए बूट स्पेस देखते हैं बी एम डब्ल्यू टू सीरीज़ ग्रैंड कूपे में आपको फोर थर्टी लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो डिसेंट है और एयर सीट्स को फोल्ड करके आप स्पेस इंक्रीज भी कर सकते हैं बूट शेप स्क्वेरिश है तो बैग रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इलेक्ट्रिक बूट ओपन या क्लोज नहीं दिया गया है इसमें यह है बी एम टू ट्वेंटी डी का बी एस एस कंप्लेंट टू लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीज़ल इंजन जिसे काफ़ी इंप्रूव किया गया है और यह अब काफ़ी रिफाइंड और साइलेंट है पहले के कंपेरिजन में बोनेट पर आपको इंसुलेशन भी मिलता है साउंड और वाइब्रेशन को कम करने के लिए चलिए इंटीरियर्स देखते हैं टू ट्वेंटी ड्री स्पोर्ट लाइन में आपको बीच एंड ब्लैक का इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है विद एल्यूमिनेटेड सीमलेस ट्रिम नीचे है वन लीटर बॉटल स्टोरेज स्पेस डोर पर आपको ब्रश्ड एलोमिनियम डोर हैंडल और इलेक्ट्रिक मिरर एंड पावर विंडो स्विचेज मिलते हैं डोर स्लिपर है बी एम डब्लू एलूमिनियम्स प्लेट आपको टेन वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लेदर सीट्स मिलती है विथ टू मेमोरी ऑप्शन इसमें एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है सीट्स काफ़ी वाइड है और प्रीमियम लुकिंग डिजाइन दिया है और यह है टू सीरीज ग्रैंड कूपे का इंटीरियर और स्पोर्टी लेदर ऑफ स्टेयरिंग व्हील चलिए बैठ देखते हैं सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है टू सीरीज ग्रैंड कूपे में आपको ये टेन पॉइंट टू फाइव इंच का बी एम डब्ल्यू लाइफ कॉकपेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है इसमें आप मैप्स रेंज एवरेज ट्रिप मीटर ड्राइविंग मोड डिजिटल स्पीड मीडिया टायर प्रेशर एंड सर्विस एंड एरर्स जैसी चीज़ें देख सकते हैं एंड इसका लुक भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं स्टेरिंग के पीछे है पैडल शिफ्टर्स। स्टेरिंग पर लेफ्ट में है क्रूज कंट्रोल के बटंस राइट में है कॉल मीडिया वॉइस असिस्टेंट और लाइव कॉकपिट के कंट्रोल्स नीचे आपको ब्रश्ड मेटेलिक फिनिश मिलता है स्टेयरिंग के राइट में है एसी वेंट सराउंडेड बाई ग्रे सीमलेस डिजाइन ट्रेम नीचे है, है हेडलाइट फॉगलैम्प और इंटीरियर लाइट एडजस्टमेंट बटन यहां पर नीचे है स्टोरेज स्पेस डैशबोर्ड पर प्रीमियम सॉफ्ट लेदर और ये सीमलेस ग्रे ट्रिम काफ़ी प्रीमियम लगते हैं टू सीरीज़ ग्रैंड कूपे में आपको टेन पॉइंट टू फाइव इंच का लेटेस्ट बी एम डब्ल्यू आई ड्राइव टच स्क्रीन इन्फोटनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एप्पल काप्ले ब्लूटूथ थ्री डी नेविगेशन और वॉइस असिस्टेंट टच स्क्रीन के साथ इसे आप सेंटर कंसोल पर दिए रोटरी नॉब से भी यूज कर सकते हैं साथ ही इसमें आप विजेट्स को ऐड या मूव भी कर सकते हैं स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से आप ड्राइविंग प्रोफाइल कार सेटिंग्स जैसे कि ड्राइविंग मोड्स थ्री डी मैप्स ड्राइविंग स्टाइट्स एंड मल्टीमीडिया को एक्सेस कर सकते हैं इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं कंफर्ट स्पोर्ट और इको प्रो टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है और ग्राफिक्स भी काफ़ी शार्प है स्पोर्ट लाइन वेरियंट में आपको सिक्स स्पीकर हंड्रेड एंड टेन वॉट ऑडियो सिस्टम मिलता है जिसका साउंड आउटपुट इंप्रेसिव है इसमें आप हे बी एमडब्ल्यू कहकर वॉइस कमांड से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे चेंज ए सी टेम्परेचर चेंज ट्रैक मीडिया मोड नेविगेट टू अ पर्टिकुलर प्लेस एसेट्रा इसमें ऑटो पैक असिस्ट के साथ रिवर्स असिस्टेंट भी मिलता है जिससे एक कार लास्ट फिफ्टी मीटर के ट्रैक को याद रखती है और इसे सेम वे में ऑटो स्टीयर से रिवर्स लेकर जा सकती है नीचे है एसी वेंट सराउंडेड बाय मेटल फिनिश उसके नीचे है ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बटन्स उसके नीचे है मीडिया कंट्रोल के शॉर्टकट बटंस सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक फिनिश दिया है यहाँ पर नीचे है स्टोरेज स्पेस और दो कप होल्डर्स एक यूएसबी पोर्ट और ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी दिया है यह बीएमडब्ल्यू का एट स्पीड स्टेप्ट्रॉनिक गियरबॉक्स साथ ही दिए आई ड्राइव शॉर्टकट बटनस रोटरी नॉप पार्किंग एड ऑटो इंजन ऑफ मैन आइडल कीलेस इंजन स्टार्ट स्टॉप ड्राइविंग मोड्स इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के बटन्स पीछे सॉफ्ट लेदर हैंडरेस्ट दिया है इसके नीचे भी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है साथ ही रबर एस्ट पैड और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इंटीरियर क्वालिटी टॉप नॉच है यहां नीचे कोल्ड ग्लव बॉक्स दिया है विथ लाइट स्पेस थोड़ी कम है इसके अंदर कार मैनुअल की वजह से यहां नीचे हार्ड प्लास्टिक्स दिए हैं बट फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है ऊपर दिया है फ्रेमलेस डे नाइट मिरर उसके पीछे है रीडिंग लैम्प्स और सनरूफ बटन्स माइक भी दिया है फॉर वॉइस असिस्टेंट एंड कॉलिंग यह है टू सीरीज कूपे का लार्ज पैनोरमिक सनरूफ जिसकी वजह से इस कार में काफी अच्छी लाइट और एरी फील आती है इसमें आपको एम्बियट लाइटिंग भी मिलती है विथ सिक्स कलर ऑप्शन और यह लाइट इस सीमलेस डिजाइन ट्रेम के पीछे से आती है यह है इलेक्ट्रिक मिरर और विंडो के स्विचेस बटन की क्वालिटी काफी अच्छी है यहां हैंडरेस्ट पर भी सॉफ्ट लेदर पैडिंग दिया है चलिए पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं चारों डोर्स पर आपको फ्रेमलेस डिज़ाइन मिलता है क्योंकि ये एक स्पोर्टी कोप है फ्रंट डोर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती है बट मेमोरी ऑप्शन नहीं दिया गया है चलिए पीछे देखते हैं पीछे लेक्सप्रेस डिसेंट मिलता है मेरी हाइट पाँच फुट ग्यारह इंच है और फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है फ्रंट सीट के पीछे स्टोरेज पॉकेट्स दिए गए हैं पीछे दिए गए हैं एयरवेंस और टू टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स सेंटर टर्नल हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो सेंटर पैसेंजर को थोड़ी एक्सप्रेस में परेशानी हो सकती है बाकी सीट्स का एंगल और क्वेश्चनिंग कंफर्टेबल है बट हाँ हेडरूम थोड़ा लिमिटेड है रेड रोड पर भी आपको ब्रश्ड मेटल डोर हैंडल एम्बियट लाइटिंग इनसाइड सीमलेस डिजाइन रिम और डोर स्पीकर्स मिलते हैं नीचे है वन लीटर बॉटल स्टोरेज स्पेस और पीछे भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको सिक्स एयरबैग्स एबीएस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक एक्टिव बोनट प्रेडिस्टेंट प्रोटेक्शन टीपीएमएस रन फ्लैट टायर्स रेन सेंसिंग वाइपर्स स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं ये काफी स्पोर्टी और यूनिक लुकिंग कार है विद टॉप नॉच इंटीरियर्स बट सॉफ्टर में लोगों के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए